अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ तो so, यहाँ जी आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं इधर था जी सुबह सुबह का टाइम ग्यारह साढ़े ग्यारह का टाइम था तो व्लॉग को आज मैं स्टार्ट नहीं करी ब्रेकफास्ट से मैंने कहा रोज़ वही रूटीन होनी है तो फिर ज़रा चेंज होना चाहिए तो यहाँ मैंने सारी अपनी स्किन केयर वगैरह कर ली थी और बाल भी ब्रश वगैरह कर लिए थे हेयर कॉम कर लिए थे उसके बाद जी हम लोग आगे मैं यहाँ पर आ गई किचन में तो किचन में आज मुझे बनाना था सालन सालन में थे जी करेले तो करेले किस किस को पसंद है पहले तो मुझे ये बताएं अच्छा मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे करेले कभी मैं खा लेती हूँ मूड पर डिपेंड करता है कभी नहीं खाती लेकिन अगर आलू के साथ हो तो फिर मैं खा लेती हूँ अच्छा यहाँ पे फिर मुझे स्पाइसेस वग़ैरह मैं आपको दिखा देती हूँ तो मैंने आ, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्ट लिया ठीक है जो सालन में जाएँगे उसके बाद जी रेड चिली यानी कि सोल्ट मिर्च हम ले लेंगे हाफ टेबल स्पून कह सकते हैं या वन टीस्पून कह सकते हैं उसके बाद जी हम ले लेंगे हाफ़ जो हल्दी होती है वो बाकी जो वेजिटेबल्स थी वो मैंने ऑलरेडी कट करके रख दी थी क्योंकि अगर वो ऑलरेडी कटी हुई हूँ तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता और जो भी आपने सालन बनाना वो जल्दी में चटपट में बन जाता है उसके बाद जी हम ऐड करेंगे इसमें मेथी ठीक है देन जी हम इसको अब रख देंगे तो ये सारे स्पाइसेस थे जो मैंने आपको सालन में मैं ऐड करूँगी दिखाने थे उसके बाद जी हमने जो आलू वगैरह काट के रखे हुए थे वो डालेंगे ठीक है सबसे पहले हमने करेले को तो करेले को थोड़ा सा ना फ्राई करना है ताकि उनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए देन हमने प्याज़ ऐड किया कढ़ाई में उसके बाद हमने आलू वगैरह ऐड किए और अब इनको गलाने के लिए छोड़ देंगे तो इसको हल्के से ऑयल में आपने आलू को प्याज को और करेलों को पकाना है जब तक ये अच्छी तरह से गलना जाएँ या पकना जाएँ उसके बाद आपने बाकी चीज़ें ऐड करनी है बाकी चीज़ों में क्या है जो आपने टमाटर वग़ैरह कट किए हुए हैं वो ऐड कर लेंगे और बाकी जो स्पाइसेस वगैरह मैंने आपको दिखाए हैं वो ऐड कर लेंगे तो हर किसी का करेले पकाने का अलग तरीका होता है कुछ लोग नमक में करेले को रख देते हैं ताकि उसकी कड़वाहट निकल जाए और हमने इस बार ऑयल में डाले थे ताकि इसकी कड़वाहट निकल जाए तो जो ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू आप लिए पका सकते हैं अच्छा आज मैंने सोचा आपके साथ समर ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँ सबसे फर्स्ट वन है जी ये वाला ड्रेस जो मैं आपके साथ शेयर करी हूँ इसका कलर जैसा कि आपको नज़र आ रहा है सेम यही कलर है मस्टर्ड कलर की शर्ट है एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है और इसकी मैंने इस तरह से नेक लाइन बनवाई थी लाइन के ऊपर पाइपिंग करवाई थी और ये मैंने तीन बटन्स लगवाए थे तो बटन्स जो तो थे वो ब्लू और पिंक कलर में लगवाए थे क्योंकि जो शर्ट की एम्ब्रॉयडरी थी वो इन कलर्स में थी तो मैंने फिर इसके साथ ही मैच करवाए थे और ये फ्लावर डिज़ाइन में थे तो मुझे ये अच्छे लग रहे थे तो ये मैंने करवा दिया बाकी स्लीव्स जो थी वो भी इसकी एम्ब्रॉयडर्ड थी सेम एम्ब्रॉयडरी जैसे शर्ट भी हुई हुई है उसी तरह की सेम स्लीव्स भी हुई हुई है और साथ मैंने अंदर वाली साइड पर फैशन पट्टी लगवाई थी उसके बाद जी हम लोग आते हैं बॉर्डर पे यानी कि शर्ट के दामन पे। दामन पे मैंने ये वाली लेस लगवाई थी जी इसको कहते हैं थ्रेड लेस ये धागे की तरह होती है और बड़ी प्यारी लगती है लंबी लंबी पतली पतली सी तो इससे काफ़ी लुक अच्छी आ जाती है और अगर आपकी शर्ट की लेंथ छोटी हो तो थ्रेड लेस जो होती है इस तरह की वो आपकी लेंथ शर्ट की लेंथ में भी काफ़ी इजाफा करती है तो इससे आपकी शर्ट की जो लुक होती है वो अच्छी भी होती है और वो जरा लेंथ ही भी लगना शुरू हो जाती है बाकी इसकी जो बॉर्डर है उसके अंदर वाली साइड पर भी फैशन पट्टी है इसके साथ जो मेरा मैंने दो लिया है वो है जी ये और इस सेम कलर में जिस कलर की शर्ट है उस कलर में दो है शिफोन का और उसके इस एंड पे मैंने लगवाई है ये वाली लेस्ट इसको कहते हैं शटर लेस और साथ जो इसकी कैपरी थी वो भी थी मस्टर्ड कलर में ठीक हो गया तो ये फर्स्ट वन ड्रेस है आजकल कर ईद करीब है और लोग अपनी ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग करवाने हैं तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर कर दूँ जो मेरे पास ड्रेसेस हैं अच्छा इसके बाद जी ये वाला एक सेकंड ड्रेस है ये आ, इस ये शर्ट है जी मरून येलो और वाइट से कलर में और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो है सिंपल वाइट कलर में तो ये भी एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी और इसकी एम्ब्रॉयडरी सेम इसी जगह पर हुई हुई थी नेक के एक साइड पर और जो इसकी नेक लाइन है वो मैंने सिंपल रखवाई है बे शेप में इसके जो स्लीव्स हैं वो हैं प्रिंटेड तो स्लीवस पे इस तरह का प्रिंट है जी ये देख लें और जो स्लीव्स के एंड पे है फैशन बट्टी लगवाई है वाइट कलर में क्योंकि इसकी जो एम्ब्रॉयडरी थी वो वाइट कलर में थी तो वाइट कलर में ही मैंने स्लीव्स पर भी करवाई है तो ज़रा उठ के आएगी और बाकी जो इसका बॉर्डर था उस पर हल्के हल्के ब्लू से कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और ये प्रिंटेड शर्ट है मेक श्योर ये सारे प्रिंट हैं इस पर शर्ट पर और बाकी जो शर्ट का बॉर्डर है उस पर भी फैशन पट्टी है जो कि है वाइट कलर में ठीक है तो ये हो गया जी शर्ट का बॉर्डर और बाकी प्रिंटेड है बस जो एक नेक की एक साइड है वहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई और ये एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट थी तो यहाँ पे जो कैपरी है हमारे साथ इस शर्ट की वो है सिंपल वाइट कलर में क्योंकि वाइट कलर जो होता है वो सब ड्रेसेस के साथ चल जाता है और जो इसका दुबट्टा है वो तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है वो है जी रेड और वाइट कलर में बहुत प्यारा ड्रेस दुबट्टा है इसका जिसपे हल्के हल्के डिजिटल डिज़ाइन हुआ हुआ है फ्लावर्स बने हुए हैं और इस तरह से जी इसका प्रिंट है आप देख लें बाकी इसके जो दुपट्टे का जो कॉर्नर था एंड था उस पर मैंने पल्लू पे फैशन पट्टी लगवाई थी ब्लैक कलर में तो इस तरह का जी इसका दुपट्टा है और ये होगी जी शर्ट उसके बाद हमारे पास थर्ड जो ड्रेस है वो है टाई एंड डाई में और ये ऑरेंज और पिंक कलर के टाई एंड डाई में शर्ट है उसकी इस तरह से नेक लाइन है प्रिंटेड शर्ट थी और ये ये इसका प्रिंट था लाइक टाई एंड डाई में कलर था ऑरेंज पिंक और ऊपर वाइट कलर में इसका प्रिंट था फूल वगैरह बने हुए हैं तो काफ़ी अच्छा ये लग रहा था टाई एंड डाई में अभी पिछले दिनों काफ़ी ये ट्रेंड में चला था और इसके जो स्लीव्स हैं उन पर शटल लेस मैंने लगवाई है ये वाइट कलर में और इसका जो बॉर्डर है उस पर भी सेम ये शटल लेस लगी हुई है तो ये इस तरह से जी इसका है और बॉर्डर अब आपको दिखा रही हूँ बॉर्डर जो है उस पर फ्लावर्स बने हुए हैं कलरफुल से और साथ ब्लैक वाइट कलर की लाइनिंग हुई है और साथ जो आ, लेस मैंने लगवाई थी वो शटल लेस थी जो कि स्लीव्स पे थी तो ये इस तरह से आपकी होगी जी शर्ट और इस शर्ट के साथ जो मैंने कैपरी बनवाई है वो है जी क्योंकि शॉकिंग पिंक कलर था और शॉकिंग पिंक ऑरेंज कलर था तो जो इसकी कैपरी है वो भी मैंने शॉकिंग शौक, पिंक रखवाई है सिंपल कैपरी रखवाई है शॉकिंग पिंक कलर में कोई लेस वगैरह नहीं है और जो इसका दुबट्टा है उस आ, को भी वो भी सेम कलर शॉकिंग पिंक लेकिन उसके साथ मैंने लेस लगवाई है बॉर्डर पर जो कि स्लीवस और नेक पर लगवाई थी सेम वही लेस इसके दुपट्टे के साथ हो गई तो ये तीन ड्रेसेस मैंने आपके साथ आज शेयर की हैं और ये थे जी समर के ड्रेसेस क्योंकि काफ़ी एरी ड्रेसेस हैं ये और एक तो जो ये मस्टर्ड वाला है वो थोड़ा एम्ब्रॉयडर्ड है वो थोड़ा गर्मी में पहना थोड़ा थोड़ा सा टफ हो जाता है लेकिन बाकी जो दोनों है, वो काफी हैं वो काफ़ी हल्के फुल्के से लाइट वेटेड हैं और गर्मियों में इस तरह के ड्रेसेस अच्छे लगते हैं जो ज़रा हल्के फुल्के से हों और जिनको आराम से आप इजीली वेयर करके बाहर जा सको तो ये इस तरह से कुछ डिजाइनिंग वगैरह थी उम्मीद आपको पसंद आई होगी और आगे मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी अच्छा यहाँ पे फिर हो गया था जी चाय का टाइम तो अम्मीबू गए हुए थे मार्केट उनसे मैंने केक रस मंगवा लिया क्योंकि मुझे बहुत क्रेमिंग हो रही थी केक रस की और केक रस जो थे वो काफ़ी मज़े के थे लाइक एक होता है ना जो वो होते हैं केक रस बहुत ज़्यादा मीठे हो जाते हैं तो इनमें जो शुगर की क्वांटिटी थी वो काफ़ी मुनासिब थी लाइट सी थी और साथ ही हो गई यम की बर्फी क्योंकि यम की बर्फ़ी तो बहुत ही फेमस है और बहुत मज़े की भी होती है इनकी काफ़ी फ़्रेश होती है मुझे स्वीट्स में सिर्फ दो ही मिठाइयाँ पसंद हैं एक गुलाब जामुन और दूसरा बर्फ़ी इसके अलावा मुझे कोई मिठाई नहीं पसंद और ना मैं खाती हूँ इतनी शौक़ से अच्छा यहाँ पर चाय वगैरह जो थी वो मैंने कटोरे में बनाना शुरू हो गई थी आप भी देख रहे होंगे कोई फ्रिंक पैन नहीं है तो फ्रैंक पैन धुला हुआ ही नहीं था वो मैंने धोना था और वॉश करने के लिए रखा हुआ था तो बस मुझे यही नज़र आ गया मैंने इसी में चाय वगैरह बना दी और बस यहाँ पे फिर चाय वगैरह हम पीते हैं और ब्लाग को मैं यहीं पे वाइंड अप कर रही हूँ उम्मीद आपको पसंद आई होगी ड्रेस डिज़ाइनिंग भी और मेरा ब्लॉग भी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लाग में अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है और वीडियोस को लाइक भी कर दीजिएगा ठीक है जी इनशाला फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लाग में तब तक अपना बहुत ढेर सारे रखें ला फिर